हे गाइस, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में विंग प्रॉक्सी ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये ऐप क्या है। तो गाइस, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको विंग प्रॉक्सी ऐप सर्च करना है। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट में आपको विंग प्रॉक्सी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। इसे आपको पहले तो डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर आप इसके रिव्यूज़ रेटेड देख सकते हो। इसकी रिव्यूज़ है जो 4+1 इसको इसका स्टार मिले हुए हैं। इसके आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, 1 के रिव्यूज़ है और रेटेड 3+ इसके रेटेड है और 500 के इसकी डाउनलोड है। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके टेम्पलेट्स वगैरह। यहाँ पर आप टेम्पलेट्स इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। फिर आपको इसमें VPN सर्वर कनेक्ट कैसे करते हैं, इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें VPN कनेक्ट कैसे करते हैं, ये VPN कनेक्ट करने वाली एप्लीकेशन ही है। तो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन कर दिया, ठीक है गाइस। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है और इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है जो देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, आपको स्मार्ट लोकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, स्मार्ट लोकेशन पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको स्मार्ट लोकेशन का ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको शो करेगा। इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लोकेशन है जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर कौन से VPS सर्वर कनेक्ट करना है उसकी लोकेशन यहाँ पर सर्च कर दीजिए। पहले तो सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे हम लोकेशन यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, तो कैसे लोकेशन हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अलाउ ऑलवेज पर क्लिक करना है। इस अलाउ ऑलवेज पर क्लिक कर दिया, ठीक है गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो VPN है जो कनेक्टिंग हो रहा है। तो गाइस, इस तरह से आप VPN है जो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो VPN इस तरह से आपका कनेक्ट हो गया है और आप इसमें टेस्ट करके देख सकते हो। आप गो पर क्लिक करोगे और गो पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पर स्क्रीनिंग हो जाएगी और स्क्रीनिंग पूरी होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने एक ऐड आएगी, इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका VPN कैसे चल रहा है, आपका नेट डाटा कैसे चल रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी स्पीड, डाटा की स्पीड क्या है, डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। IP CT वगैरह आप देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको। फिर आप बैक जाते हैं, थोड़ा बैक जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें आपको कनेक्टेड VPN आपका कनेक्ट हो गया है और आपको डिसकनेक्ट करना है तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपका ये जो VPN है जो डिसकनेक्ट भी हो जाएगा। आप देख सकते हो भाई हमारा VPN है जिसमें डिसकनेक्ट हो गया है। फिर आप इसमें सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिसकनेक्ट हो गया है VPN सेटिंग्स, इस पर क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रेट्स अप शेयर ऐप प्रोवाइड प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विंग प्रॉक्सी ऐप कैसे यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप पहले तो जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।